प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे श्रैकी का अगला हर्फ और यूनिक हर्फ, मखसूस हर्फ जो उर्दू और इंग्लिश में मुश्किल से ही मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा, और ये है नून। मतलब वही नून और उसके ऊपर छोटी तोएं, ये बन गया नून। तो देखें नून से कौन से अल्फाज बनते हैं। नून से शुरू तो कोई हर्फ नहीं होता, कोई लफ्ज़ नहीं होता, ये बहुत से अल्फाज के बीच में या आखिर में इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें सरफहरिस्त मखसूस अल्फाज ये हैं जिससे आप नून की आवाज़ समझ सकते हैं। इसमें वण यानी दरख्त, ट्री, और वाण यानी निवार जिससे चारपाई को बुना जाता है, और अगला है वैण यानी बैन करना, जो रो के बैन करते हैं उसको सरेकी में वैण कहते हैं, ये भी इसी से लिखा जाता है। और सुन यानी सुनो, सुन की जो सरेकी है वो है सुन, इसमें भी यही नून इस्तेमाल होता है। और भैन यानी बहन, सिस्टर, और डैन जिसको डाइन कहते हैं या चुड़ैल वगैरह, और जान यानी जान, जानना, इसको भी सरेकी में जान कहते हैं, उसमें भी यही नून इस्तेमाल होते हैं। ये आज का हर्फ, आज का सबक नून, को अच्छे तरीके से याद करें, समझें और मज़े से सरेकी सीखें। कल मिलते हैं एक नए सबक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।